हाँ बच्चों, पी वाई क्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और हो। सवाल क्या है? सवाल देखिए, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसे ऑसिलेटर इज गिवन बाई वाई इक्वल्स टू ए कॉस 30 डिग्री। SHM का सवाल है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आसान सा, ये भी आसान है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, उसने डिस्प्लेसमेंट को एक्स नहीं लिखा, यहाँ पे वाई लिखा। क्या लिखा? वाई लिखा। इफ एम्पलीट्यूड इज 40 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना दे दिया है? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए इंटू कॉस 30 कितना? √3/2, और ए की वैल्यू रख लीजिए 40 × √3/2, तो डिस्प्लेसमेंट अपने को मिल जाएगा कितना? 20√3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट है, सही है? हाँ सर। अच्छा, एम्पलीट्यूड 40 सेंटीमीटर एंड काइनेटिक एनर्जी एट दैट टाइम इज 200 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया जा रहा है सर? 200 जूल। तो आपको क्या बताना है? द वैल्यू ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट इज के बताना है, सिस्टम का के होता है। अच्छा, आइए ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ½mv2। और भी क्या होता है? भी होता है सिस्टम में ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। तो भी को रखो यहाँ पे, तो ½m, और भी कितना? इसका स्क्वायर करो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए के होता है एम ओमेगा स्क्वायर। ये सब छोटे छोटे फार्मूला है, जिनको रट डालना, रट डालना। के तो रट डालना, के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर, के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर, ऐसे रट लो। तो काइनेटिक एनर्जी ये वाला तो के हो जाएगा, ये वाला के फोर्स कॉन्स्टेंट है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया कितना? के इंटू ना हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो ध्यान से, आइए तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। क्या लिखूंगा सर? हाफ के ए स्क्वायर माइनस क्या? एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या? 200 जूल। वैल्यू पुट कीजिए, ए पता ही है आपको, सही है। हाफ को उधर भेज देता हूँ इसके साथ, तो के इंटू ए स्क्वायर, ये कितना है सर? हाफ ए है सर आपको 40 सेंटीमीटर, मीटर में बदले तो 100 का डिवाइड मारेंगे, 100 का डिवाइड मारोगे 14 × 10⁻¹ क्या हो जाएगा? -2। इसको लिखो 14 × 10⁻²⁰ का क्या? होल स्क्वायर। और एक्स कितना साहब? 20√3 सेंटीमीटर। इसके लिए भी 100 का डिवाइड मारेंगे, ये भी हो जाएगा 20√3 × 10⁻² क्या? -2। 20√3 × 10⁻²⁰ का क्या? होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या? 200। बोलो भाई साहब, देख लो यार। हाँ सर, अब कुछ नहीं, ये 10⁻², 10⁻², इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। हाँ सर, उसको बाहर ले लो, 10⁻⁴ कहाँ जाएगा? बाहर। अरे मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों मिलके -4 हो जाएंगे। हाँ सर, और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600। और 20√3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? 400। और √3 का स्क्वायर क्या? 3। 400 × 3 1200। बोलो रे, इसका कितना हो जाएगा सर? 200। सही है, देख लो भैया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। अब 1600 − 1200 कर लो, के इंटू 10⁻²। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई किए थे तो 400 हो गया था, सॉरी, है ना? कुछ लोग सोच रहे हैं तो 2 को तो लेके गया उधर, कुछ किया नहीं उसके साथ, है ना? माइनस सा मिस्टेक है, ये सब हो जाता है। ये 400, और ये भी मल्टीप्लाई होने पर कितना जगह रहे? 400 इजिकल्स टू 400 कट लेगा। हाँ सर, इधर बचा हुआ तो के की वैल्यू कितना आ गया रही? 1/10⁻⁴। ऊपर लेके जाओ, के की वैल्यू 1 × 10⁻⁴ क्या? 4। तो बोल रहा है के की वैल्यू कितना है वो देखो, वो बोल रहा है 1 × 10⁻X। तो कंपेयर कीजिए यहाँ से, 10⁻X, तो एक्स की वैल्यू कितना है साहब? 4 है सर। एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। इंटीजर टाइप साहब, इससे आसान क्या हो सकता है? सिंपल बेसिक फार्मूला याद रखिए, आप के की वैल्यू रट डालो एम ओमेगा स्क्वायर, अब वेलोसिटी रट डालो जैसे में ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस क्या? ए स्क्वायर। वी मैक्स रट डालो, ए ओमेगा टाइम पीरियड रट डालो, है ना? 2π√√m/k, और पेंडुलम के लिए 2π√√l/g। क्लियर?